फैमिली वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूँ शालिनी, सब लोगों का स्वागत करती हूँ शालिनी मित्रा के फैशन दोस्त पे द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो ऑन माय चैनल कि प्लीज़ विंटर के लिए कुछ स्टाइलिश लुक्स शेयर करो जो कि हम आगे पार्टीज़ में या बर्थडे एनिवर्सरी पर ट्राई कर सकते हैं। अगर किसी वेकेशन पर जा रहे हैं तब भी ये लुक्स आप ट्राई कर सकते हो। सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, हॉल पैक में चेक कर लीजिएगा, अमेजोन से है। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करूँगी आज की वीडियो के शो स्टॉपर से, वो है एक बैग जो कि आपने मेरे थंबनेल पर भी देखा होगा। इट्स ब्यूटिफुल बैग, मतलब ऐसा बैग मैं ना बहुत टाइम से ढूंढ रही थी। इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड बैग मुझे बहुत पसंद आते हैं, प्लस ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है और बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है स्लिंग बैग की तरह। इट्स ब्यूटिफुल बैग। यहाँ पर फॉक्स लेदर है और ये प्रॉपर जो कॉटन मटेरियल होता है ना वो वाला फैब्रिक, बेसिकली फैब्रिक है। यहाँ पर आपको एक मैग्नेटिक क्लोजर के साथ एक पॉकेट मिलती है, बैक से कुछ इस तरीके से, और वाइट थ्रेड से जो ये स्टिचेस की डिटेल है ना ये मुझे बहुत अच्छी लगी। आई डोंट नो अबाउट ब्रांड, आई थिंक ये किसी जेनरिक ब्रांड से है। ये देखो अंदर इतना कमाल का स्पेस है ना, एंड इसके साथ आपको एक स्ट्रिंग मिलती है, बट मैं तो उसको आई थिंक कभी यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मुझे ऐसे ही हैंडल्स के साथ यूज़ करना बहुत अच्छा लग रहा था। रिसेंटली मैंने अनुष्का शर्मा इंस्पायर्ड एक रील की थी अपने इंस्टाग्राम पे। एक्चुअली उस फंक्शन में मैंने यही वाला बैग कैरी किया था, उसी दिन रिसीव हुआ था, उसी दिन मैंने ट्राई कर लिया। आई लव दोज यूनिक बैग्स। मुझे ब्रांड्स मैटर नहीं करते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ग्रैब कर लेती हूँ, मिल जाते हैं कुछ अच्छे पीसेस तो मैं ले लेती हूँ, अदरवाइज आई एम नॉट अ ब्रांड फ्रीक इन बैग्स। चलिए नेक्स्ट लुक पर मूव करते हैं। अ ब्यूटिफुल स्वेटशर्ट विद जिपर, ये बहुत अच्छा रिसीव हुआ है मुझे। बेसिकली स्वेटशर्ट्स राउंड नेक के साथ होती है, प्लस या फिर अगर आपने हुडी पहना है तो पीछे हुड होता है, जब हम सोते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। इसका नेक बिल्कुल गोल है और इसमें पूरी टॉप टू एंड तक जिप है जो फंक्शनेबल है, प्लस इसमें आपको आगे पॉकेट मिल जाती है, मतलब जो जो मुझे चाहिए ना वो सब कुछ है इसमें। ये बहुत ज़्यादा वॉर्म तो नहीं है फ्लीस अंदर की लाइनिंग वगैरह में, बट ये वॉर्म है हल्के विंटर्स के लिए या लेयरिंग के लिए, ये वाला ऑप्शन बहुत अच्छा है। आई जस्ट लव इट। और जिस प्राइस में अवेलेबल है गो ग्रैब इट इससे पहले कि स्टॉक आउट हो जाए। नेक्स्ट जो चीज़ है मैं आपके साथ शेयर करूँगी, विंटर एसेंशियल आर दीज बूट्स। ये मुझे बहुत अच्छे, आई थिंक द ब्रांड नेम इज़ एल पासो, और इसके ना वैसे आप किसी भी वेबसाइट पर ढूंढोगे काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं बूट्स, बट यहाँ पर अमेजोन पर बहुत अच्छे प्राइस पर है। लुक लुक क्वालिटी आप जस्ट देखो, आई थिंक 1350 के अराउंड ये मुझे मिले हैं, बट इस प्राइस में ये क्वालिटी इज़ अनबिलीवेबल। जिप पीछे से है, हील बहुत अच्छा है, इसका जो स्ट्रक्चर है आगे से हील है, बट काफ़ी टाइम तक मैंने ट्राई ऑन्स के दौरान इसको पहने रखा और ये मुझे बिल्कुल पेन नहीं कर रहे थे। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी अगर आप बूट्स ट्राई करना चाहते हो इस बार विंटर में, कोई अच्छे मिले नहीं हैं ब्रांडेड, जस्ट ट्राई देम आउट, ये बहुत अच्छे हैं। अब इसी लुक में आपने देखा होगा मैंने एक डेनिम पहनी हुई है। डेनिम की भी बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है मेरे पास, तो मैंने एक डेनिम मंगाई है स्पेशली फॉर ऑल दोज मम्मी टमीज़ के लिए। अब देखो मम्मीज़ की टमी होती है, मेरी भी है, सो उसको इसने बहुत अच्छे से कवर कर लिया। सबसे पहले हाई वेस्ट है, बिल्कुल क्लीन लुक है। इसमें आई थिंक तीन शेड्स अवेलेबल थे, लाइट ब्लू, ब्लू एंड डार्क वाला नेवी ब्लू। वो लाइट और डार्क वाला ब्लू तो मेरे पास बहुत सारे हैं, ये वाला कलर का ना क्लीन लुक में मेरे पास कोई भी नहीं था। इसमें कोई भी वॉश नहीं है या डिस्ट्रेस्ड नहीं है, एकदम स्ट्रेट वाला इसका फिट है जैसा कि हमेशा यूजुअली मुझे पसंद है, और इसमें हल्का सा स्ट्रेच भी है, बहुत ही हल्का सा। सो जो जो चीज़ें मुझे अपने डेनिम्स में पसंद है, जो मैं चाहती हूँ, वो सब कुछ इसमें है। मेरे कहने से एक बार ये वाला फिट ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि मुझे ना वो पेंसिल फिट या फिर स्किनी जीन्स तो कभी नहीं पसंद। मैं इतने टाइट बॉटम्स नहीं पहनती, और मैं आपको भी बोलना चाहूँगी अगर आप रेगुलर बेसिस पे पेंसिल फिट और बॉडी फिट डेनिम्स पहनते हैं प्लीज़ अवॉइड इट, और बहुत ज़्यादा नहीं पहनना चाहिए, वो हमारे जो यूट्रस एरिया है उसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ ले आता है इन फ्यूचर अगर हम उसे रेगुलरली पहनते हैं। सो प्लीज़ अवॉइड देम। थोड़ा सा लूज़ और ब्रीदी
जो आपकी बॉटम वेयर्स हैं उनको पहना करो रेगुलरली, इतने टाइट फिटिंग वाले कपड़े मत पहना करो। नेक्स्ट जो चीज़ है विच इज़ विंटर एसेंशियल, अ स्वेटशर्ट, और वो इतने ब्राइट कलर में मिलेगी मुझे नहीं पता था। द ब्रांड नेम इज़ नॉटी, बट इसमें ना साइज़ जो है आप एक साइज़ अप ही जाना। ये देखो बहुत अमेजिंग, ये तो ब्राइट वाला ग्रीन कलर है और ये पहना हुआ भी बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखो इसके अंदर जो लाइनिंग है वो प्रॉपर फ्लीस वाली लाइनिंग है, मतलब विंटर्स में उसको आराम से पहन सकते हो। मैं तो उसको घर में बिंदास पहनूँगी क्योंकि मुझे घर में ना स्वेटशर्ट ही मैं पहनती हूँ पैंट्स के साथ, तो मैं इसको घर में पहनने वाली हूँ। तो सूट इस वक्त मैंने पहना हुआ है, ये भी अमेजोन से है, आई विल लिंक। एंड जो नेक पीस पहना हुआ है बहुत पहले मैंने लिया था जब आई थिंक यूट्यूब मैंने शुरू किया था, सो मुझे याद ये शायद मैंने ऑफलाइन लिया था। स्टिल कुछ सिमिलर अवेलेबल होगा तो मैं लिंक कर दूँगी। नेक्स्ट जो कैटेगरी आ गई है वो है ड्रेसेस की। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर आप कहीं वेकेशन वगैरह पे जा रहे हो और वेस्टर्न पहनना है तो ये ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल ब्लैक ड्रेस, D&D ब्रांड है, ड्रेप एंड डैजल। पीछे इसकी पूरी जिप मिल जाती है, बहुत लंबी है, नीचे तक खुल के आप आराम से पहन सकते हो। मैंने साइज़ लार्ज पहना हुआ है, वी नेकलाइन है, आगे की तरफ बस के नीचे एक हल्का सा कट मिलता है। यहाँ स्लीव में ना क्रोशिया की डिटेल है ये देखो, और स्लीव का एंड पे इस तरीके से इलास्टिक है। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, जिनको बहुत ज़्यादा घेरे वाली और एकदम अनारकली टाइप की ड्रेसेस नहीं पसंद वो ये वाली ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर भी क्रोशिया की ये देखो पूरी डिटेल दी हुई है एंड नीचे की तरफ भी दी हुई है। मेरी हाइट 5'2" है और मुझे फ्लोर लेंथ मैक्सी गाउन आ रहा था, सो ब्लैक कलर में है, तो इसके साथ एक्सपेरिमेंट्स भी आप बहुत सारे कर सकते हो। मूविंग टू नेक्स्ट ड्रेस, और ये है शो स्टॉपर मेरे लिए। बैग था शो स्टॉपर, बूट्स है शो स्टॉपर, और ये ड्रेस है शो स्टॉपर फॉर मी। आई जस्ट लव इट। जनस्या ब्रांड से है और ये बहुत सुंदर ब्लू कलर के शिफॉन फैब्रिक में है, इंडियन और एथनिक प्रिंट के साथ। प्लस इसके अंदर जो लाइनिंग मिल रही है वो सॉफ्ट मलबल कॉटन में है, मतलब विंटर्स में तो आप स्टाइल कर ही सकते हो, प्लस समर्स में ये बहुत अच्छे लगेंगे। इसके साथ मैंने पर्ल स्टड पहने हैं, इस टाइप के बड़े वाले स्टड मैं कोशिश करूँगी लिंक कर दूँ। ब्यूटिफुल पैटर्न, जस्ट लुक एट इट। प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं बहुत जल्दी कोई ना कोई रील डालूंगी इसके साथ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट कहीं जाऊंगी तो इसको स्टाइल करूंगी। आई रियली लाइक इट। इसकी हाइट मतलब इसकी लेंथ, डिज़ाइन, फ्लो, सब कुछ A1। जस्ट ट्राई दिस आउट, बहुत अच्छी है और ये समर में भी बहुत अच्छी लगेगी। मूविंग टू द नेक्स्ट ड्रेस, अगेन अ वेरी 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 ब्यूटिफुल ड्रेस। ये देखो ये भी शिफॉन में है और वी नेकलाइन के साथ है, फुल स्लीव में फ्लोरल पैटर्न है वाइन कलर में, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो यहाँ पर इलास्टिक है जो कि आपकी कमर में बहुत अच्छे से फिट आ जाएगी, और ये भी बहुत ज़्यादा अनारकली टाइप के घेरे में नहीं है। ये देखो ये पहने में ना काफ़ी मतलब आपकी हाइट बहुत लंबी लगने लगती है, व्हाट आई फील इसको पहनने के बाद। फुल ड्रेस इसी तरीके से मिलेगी आपको एंड इसके अंदर भी आपको लाइनिंग मिल रही है। चलो जी, नेक्स्ट जो है वो भी विंटर एसेंशियल है, वो है ये पफर जैकेट। अब पफर जैकेट मैंने बहुत सारे ब्रांड्स की देखी है तो मैंने सोचा कि अमेज़ॉन से भी कुछ ऑप्शंस मंगाऊं, और ये बिलीव मुझे बहुत अच्छी रिसीव हुई है। आई विल सजेस्ट कि आप सब लोगों को ये कलर में लेनी चाहिए, मतलब इसमें ना कलर ऑप्शन भी बहुत, अरे जिप नहीं लग, इसमें ना कलर ऑप्शंस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। ये मिंट ग्रीन साइड काइंड ऑफ कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्वालिटी वाइज अमेजिंग, और ऊपर तक बंद हो जाता है। प्लस इसके ना जो कैप है उसमें इस तरीके से फ्लीस वाला एकदम फ्लफी वाला फर लगा हुआ है, अंदर की तरफ ये वाला फर नहीं है, अंदर आपको इस तरीके से ही मटेरियल मिलेगा। एंड इसकी जो जिप है, सॉरी इसका जो पॉकेट है उसमें भी जिप लगे हुए हैं। मैं इसको बल्कि जब से आया है 2-3 बार बाहर पहनकर भी जा चुकी हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी, बिल्कुल हवा जाने के कोई चांसेस ही नहीं है। प्लस इसकी स्लीव में जो इस तरीके से ये इलास्टिक दी हुई है ना, ये सबसे अच्छी होती है, हवा नहीं जाती है। प्लस आपने थोड़ा बहुत पानी में हाथ धोना है, इसको पीछे कर लेते हो पीछे रहती है, अदरवाइज बहुत सारी जैकेट्स ऐसी हैं जिसकी स्ट्रेट स्लीव होती है वो किसी काम की नहीं होती, मतलब एज इन मुझे ये पफर जैकेट बहुत अच्छी लगी। प्लस कलर तो वाह क्या कहने। सो
आप भी इस विंटर ट्राई कर सकते हो। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, जो भी सिमिलर ऑप्शन होंगे मैं उनको भी लिंक कर दूंगी, ताकि आपके पास मैक्सिमम ऑप्शन हो परचेज करने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।